की तरफ से अगर आपको भी एसएमएस आया यू आर शॉर्टलिस्टेड फॉर द रिटर्न एग्जाम या फिर सिलेक्शन टेस्ट के लिए, अगर आप शॉर्टलिस्टेड हुए हैं और आपको रिपोर्टिंग डेट आई है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। इसमें सभी डॉक्यूमेंट्स को लेकर डिटेल में बताया जाएगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट्स है आपको एनडीए में रिपोर्ट करते हैं, रिपोर्टिंग डेट पर आपको क्या क्या लिखना है वो भी यहाँ पे बताया जाएगा। और गाइज यहाँ पे एक छोटा सा मेरा भी डाउट है, अगर वो डाउट आपका क्लियर है तो आप कमेंट्स में वो डाउट लिख सकते हैं। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या फैक्ट है यहाँ पे और आपके लिए तो बहुत ही जरूरी है अगर आप एनडीए में सिलेक्शन टेस्ट के लिए जा रहे हो। ठीक है, यहाँ पे हम बात करेंगे रिपोर्टिंग। जब आप अपनी रिपोर्टिंग करोगे तो आपके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। गाइज आपके पास सबसे पहला प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, जो भी एप्लीकेशन फॉर्म भरा है वो आपके पास प्रिंट आउट होना चाहिए। ठीक है, प्रिंट आउट लेके अपने पास वो होना चाहिए। ठीक है, और सभी आईडी प्रूफ, ओरिजिनल आईडी प्रूफ सभी जो आपके पास है वो सभी होने चाहिए, और सभी की डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम की स्पेलिंग और मदर नेम की स्पेलिंग सभी की एक जैसी ही होनी चाहिए, किसी में कोई भी मिसमैच ना हो तो सही है। अगर मिसमैच हो रही है तो आप अभी से ठीक करा लो वो सब चीजें। ठीक है, एजुकेशनल सर्टिफिकेट जो भी आपके पास है, आईटीआई, टेंथ, ट्वेल्थ जो भी आपने किया है वो आपको अपने साथ लेके जाने हैं। और गाइज एक्सपीरियंस लेटर अगर आपके पास है तो गाइज मस्ट है, प्रेफरेंस आपको मिल जाएगा, एक्सपीरियंस लेटर को भूलना मत। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप कास्ट को ब्लेम कर रहे हो तो ये भी आपको लेके जाना है। और गाइज यहाँ पे दो फोटोकॉपी, यानी जो सभी डॉक्यूमेंट्स आप लेके जाओगे उनकी टू कॉपीज विद सेल्फ अटेस्टेड, सभी की जीरोक्स कॉपी आप करा लेना, दो सेट करा लेना। और मैं आपको बोलता हूं एक सेट आप एक्स्ट्रा करा लेना। और गाइज यहाँ पे आप सभी डॉक्यूमेंट को सेल्फ अटेस्टेड यानी खुद के सिग्नेचर उन पे करके आपको साथ में लेके जाने हैं, क्योंकि आप जिस दिन जाओगे उस दिन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एंड सिलेक्शन टेस्ट होगा। अभी हम डिस्कस करेंगे पॉइंट वाइज। ठीक है, यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड करके लेके जाने हैं। ठीक है, जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, पहले से ही गवर्नमेंट सर्विस में है और एनडीए में आना चाहते हैं, जिन्होंने फॉर्म भरा है उनको एनओसी लेके तो जरूर ही जाना है। अगर एनओसी नहीं है और ये सभी डॉक्यूमेंट्स है तो यहाँ पे आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पे, और टू पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी आपको लेके जाने हैं। फोटोग्राफ आपके कलर्ड होने चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ नहीं होने चाहिए। जो फोटोग्राफ का साइज है 4.5 × 3.5 सेंटीमीटर के कलर फोटोग्राफ आपके होने चाहिए, दो फोटोग्राफ लेके जाने हैं। बट मेरा सजेशन है 5 to 6 फोटोग्राफ आप लेकर साथ जाओ। गाइज कुछ एक्स्ट्रा होने चाहिए और इतना वेट नहीं होता डॉक्यूमेंट्स में जिससे आप कैरी करने में प्रॉब्लम हो। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। गेट रिपोर्टिंग के टाइम, जब आप गेट रिपोर्टिंग के टाइम क्या होगा और क्या करना है। गाइज गेट रिपोर्टिंग के टाइम आपको यहां पर अपने साथ एक ब्लैक पेन भी लेके जाना है, और जो ब्लैक पेन है वो बॉल पेन होना चाहिए, जेल पेन नहीं होना चाहिए। और आपको जो भी मतलब वो सभी एक्सेसरीज लेके जानी है। सपोज करो मैथ के क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं तो कुछ यहाँ पे A4 साइज सीट, ब्लैंक सीट भी लेके जानी है, यानी नोटपैड मटेरियल भी आपको यहाँ पे लेके जाना है। बाकी यहाँ पे आपको कुछ नहीं लेके जाना, कुछ भी परमिटेड नहीं किया जाएगा। अगर आप कुछ भी स्टेशनरी लेके जाते हो, यानी ब्लैक पेन और गाइज नोटपैड से अलग कुछ भी लेके जाते हो तो यहाँ पे आपको परमिटेड नहीं किया जाएगा। ठीक है, और गाइज उस दिन आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और गाइज यहां पे रिटर्न टेस्ट होगा। गाइज ये मेरा एक कंफ्यूजन है, अगर आपने नोटिफिकेशन पढ़ा है तो आप कमेंट जरूर करें कि मैं सही हूं या गलत हूं, क्योंकि गाइज मैंने 10 to 15 टाइम ये पॉइंट यहां पे मैंने पढ़े हैं, तो आप भी पढ़ लो ताकि आपका भी कंफ्यूजन दूर रहे। कंफ्यूजन दूर हो तो मुझे कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, पेज नंबर 12 और पैरा ए में लिखा है ओनली रिटर्न टेस्ट। ठीक है, जो कैंडिडेट यहाँ पे बुलाए जाएंगे, यहाँ पे वो कैंडिडेट बुलाए जाएंगे जिनका यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा एंड गाइज रिटर्न टेस्ट होगा, ओनली रिटर्न टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे। और देयर आफ्टर उसके बाद यहाँ पे आपका जो स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट होगा और जो 4-5 दिन का होगा वो उसके बाद में बुलाए जाएंगे, यानी कि आपको थोड़ा टाइम मिलेगा, उसके बाद आपको 4 या 6 दिन का जो इंटरव्यू चलेगा उसके बाद आपको बुलाएंगे। ठीक है, ये लाइन है। और गाइज इसकी दूसरी लाइन में लिखा है कि सिलेक्शन टेस्ट जो है वो 4 से 6 दिन तक चलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ है कि आपको रिटर्न टेस्ट के लिए जाना है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए और रिटर्न टेस्ट के लिए जाना है,
ये तो क्लियर है, ये तो लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एंड रिटर्न टेस्ट ओनली, और दूसरी लाइन में लिखा है कि 4 से 6 दिन के लिए जाना है। ठीक है, ये थोड़ा मुझे कंफ्यूजन है, हो सकता है कि 4 से 6 दिन के लिए जाओ, यानी यहाँ पे जो स्टूडेंट बुलाए हैं वो 1:10 की रेशियो में बुलाए हैं और सभी स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ने वाले नहीं है, जिसके नंबर 80-90% है वो स्टूडेंट यहाँ पे ऐसा नहीं कि वो पढ़ना ही जानता हो सकता है कि उस ईयर में उसका अच्छा लक चल रहा है कि 10 से 20% ज्यादा आगे पढ़ा भी है तो इधर उधर से बोर्ड में देख लिया होगा, तो सभी स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ने वाले नहीं है, तो मेरिट लिस्ट लगेगी वो बहुत लो पे लगेगी, आप टेंशन ना लो, सिलेक्शन 50, 60, 70 में ही यहाँ पे आपका हो जाएगा, 70 से ऊपर तो किसी के नहीं आएंगे, वो मैं दूसरी वीडियो में बताऊंगा कट ऑफ कितनी जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपको जो मैंने बताया ये सभी आपको लेकर जाने हैं, और गाइस यहाँ पे रिटन टेस्ट के बाद आपका स्किल टेस्ट एंड ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाएंगे और फिजिकल के लिए बुलाएंगे, मतलब 4 से 6 दिन का पूरा इनका फर्दर प्रोसेस चलेगा वो है। और गाइस आपको जो बॉल पेन से लिखना है नेम, DOB, फादर नेम एंड मदर नेम भी लिखना है, और गाइस ये थोड़ा आप नोटिफिकेशन में पढ़ लो कि जो मेरा कंफ्यूजन है, अगर आपको समझ में आता है तो ठीक है कमेंट्स कर सकते हो, अदरवाइज कोई इश्यू नहीं, आप अपने सिलेक्शन टेस्ट के जाना, फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट्स कर सकते हो। थैंक यू।